Hello. So guys, ये है अनंता ब्यूरिन कराबी का रेजॉर्ट हमारा, और इसका बाहर से व्यू आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर है और ये बिल्कुल रोड पर ही है, बीच भी यहाँ से नियर बाय है। और आप बाहर का भी व्यू देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे नियर बाय शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट्स बिल्कुल सामने ही मिल जाएंगे, लाइन से ही सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं इधर। और अभी काफ़ी धूप है, ऑलमोस्ट 1 o'clock हो रहा है दोपहर का। यहाँ हम लोग थोड़ा चेक इन टाइम से पहले ही पहुँच गए हैं। एक्चुअली यहाँ का चेक इन टाइम 3 o'clock है, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा। अगर हमको अर्ली चेक इन करना है तो वी हैड टू पे एक्स्ट्रा, बट हम लोग यहाँ 1 घंटा वेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं अंदर से इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, एंड सर्विस इज ऑल्सो गुड हियर। तो गाइज अभी लंच टाइम हो गया है और हम लोग को अभी चेक इन करने भी नहीं मिला है, तो हम और सामने ही सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, तो हमने सोचा है कि अभी जाके पहले लंच करते हैं। ये नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट है, हम लोग ने यहाँ पे लंच किया एंड इसका खाना रियली वॉज गुड। और ये बिल्कुल होटल के पास में ही है, होटल के आसपास काफ़ी सारी शॉप्स, जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स या कुछ भी हैं वो हमें पास में ही मिल जाता है। एंड अभी हम लोग लंच करके वापस आ गए हैं, इट इज़ 2:30 और हमें हाफ एन आवर पहले की मिल गया है हमारे रूम का। अदरवाइज़ यहाँ पे 3 o'clock चेक इन टाइम होता है, बट हमें हाफ एन आवर पहले ही हमारा की दे दिया है। और अब हम लोग अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, यू कैन सी, और ये अनंता ब्यूरिन अंदर से काफी सुंदर है। रियली गाइज, अनंता ब्यूरिन वॉज अ वेरी गुड रिजॉर्ट, और रूम आप देख सकते हैं एकदम क्लीन एंड टाइडी। टू एलिफेंट, बेबी एलिफेंट, मम्मा एलिफेंट एंड डैडी एलिफेंट। और ये बेस्ट थिंग इस होटल की ये है कि यहाँ का जो बालकनी व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर स्लाइडर है और ये हमारे बालकनी से दिख रहा है, ये पूल व्यू है हमारा। एंड गाइज, ये बाथरूम है और बाथरूम में हमें शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी लोशन एंड शावर जेल दिया हुआ है।
ईयरबड, और ये बाथटब है, का पूल है। एंड बेस्ट थिंग इस होटल की यही है, यहाँ का पूल। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो इट्स बेस्ट रिजॉर्ट, वी कैन एंजॉय हियर। बच्चों को ये स्लाइडर काफी पसंद आता है। गाइस ये वाटर स्लाइडर का टाइमिंग 6 o'clock तक ही है, इवनिंग 6 o'clock तक ही अब ये स्लाइड यूज कर सकते हैं। एंड पूल को हम 8 o'clock तक यूज कर सकते हैं। तो मॉर्निंग 10 to 6 वाटर स्लाइडर का टाइम है एंड 10 to 8 पूल का टाइम है। और आप देख सकते हैं पूल में काफ़ी कुछ है करने के लिए, इट्स रियली वेरी नाइस। गाइस देख सकते हैं यहाँ पूल में अथर किस तरह एंजॉय कर रहा है, एंड रियली वाज अ ग्रेट फन ओवर देयर। मॉर्निंग हो चुका है एंड हम लोग आज 4 आइलैंड टूर के लिए रेडी हुए हैं। एंड अभी हम लोग जाने से पहले ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। गाइज ये हमारे ब्रेकफास्ट
के लिए आए हुए हम लोग यहाँ पर, एंड यू कैन सी द ऑप्शंस फॉर ब्रेकफास्ट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट फॉर वेजिटेरियन व्हाट आई हैड एक्सपीरियंस वाज कि कंपैरेटिवली बैंकॉक से थोड़ा सा कम ऑप्शंस थे या ना ही के बराबर थे। खाना अगर बोले तो फूड वाज ओके हो दे। एंड गाइज हियर इज़ वन मोर पूल, ये थोड़ा छोटा है एंड यू कैन सी कराबी मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं, जो कि होटल से बिल्कुल वॉक इन पर ही है और जिसका ऑलरेडी मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है कराबी मार्केट। एंड यहाँ रिसेप्शन पे हमको जूस मिल जाते हैं और यहाँ आज ग्रेप जूस है, तो वी इंजॉयड ग्रेप जूस। एंड सो गाइस, हमारे 2 दिन पूरे हो चुके हैं अनंता ब्यूरिन में एंड वी हैड अ गुड टाइम ओवर हियर एंड रियली इट्स अ वेरी नाइस होल रिजॉर्ट। And you can see out, बहुत ही beautiful beach है। And thanks for watching guys.